शायद कुछ हाथ और खुले हैं, अभी कम लगे मुझे, बहुत अच्छे कवि के लिए थोड़ा सा खुली है। तालियों में हिचक ना हो। हाँ बिल्कुल, अच्छा देखिए यहाँ पे लिफाफा नहीं मिल रहा है, तालियां भी चाहिए आप लोगों को। चलिए एक और सुनाते हैं आपको। यूं मुश्किल से हो तुम जीती या मुश्किल से हूं मैं हारा, यूं मुश्किल से हो तुम जीती या मुश्किल से हूं मैं हारा, तुम सब कुछ हार कर जीती, मैं सब कुछ जीत कर हारा। यूं मुश्किल से हो तुम जीती या मुश्किल से हूं मैं हारा, तुम सब कुछ हार कर जीती, मैं सब कुछ जीत कर हारा। ये दुनिया वाले कहते हैं मोहब्बत में हम हार गए, पर हकीकत तुम तो जानती हो कि तुम जीती या मैं हारा। मुझे गढ़ने की आदत थी तुम्हें गढ़ना नहीं आया, मोहब्बत में हमें जीना तुम्हें मरना नहीं आया, हमारे और तुम्हारे बीच में सारा जमाना था, मैं अपने से रह लड़ता तुम्हें लड़ना नहीं आया। मैं उससे प्यार करता हूँ, न वो इकरार करती, न वो इजहार करती है, न मैं इजहार करता हूँ। कि मन है नदिया सा, ये कविता मैंने आज के दिन के लिए ही लिखी है और इसे आप मेरी भावनाएं ही समझ सकते हैं। कि मन है नदिया सा, कि मन है नदिया सा लहरों सी सांसें, कि मन है नदिया सा लहरों सी सांसें, और इन सांसों में अभी तूफान बाकी है। क्या बात, लहरों सी सांसें, कि मन है नदिया सा लहरों सी सांसें, इन सांसों में अभी तूफान बाकी है। समेटे हैं खुद में हजारों खामोशियां, कि समेटे हैं खुद में हजारों खामोशियां, इन खामोशियों में अभी आवाज बाकी है। जरूर पी लेना, दीदी लौटेगी तो उससे कहना कपड़े पक्का धो लेगी, मैं शाम तक आती हूं कॉलोनी के बर्तन मांझकर। 5 रुपए भगवान के आले में रखे हैं ले लेना, स्कूल की छुट्टी होने पर ककड़ी और समोसा खा लेना, पापा दोपहर को पीकर आएंगे तो उनसे मत उलझना, मैं शाम तक आती हूं कॉलोनी के बर्तन मांझकर। डेरी वाले भैया से गोबर लाना है आज कंडों के लिए, परचून वाले लाला का उधार भी चुकाना है इस माह, ट्यूशन की फीस कब भरनी है मजली से पूछना है, और मेम साहब छुट्टी देंगी तो दांत का दर्द भी दिखाना है। दूसरा बात, हड्डियां बता रही हैं कि मुर्गा बना था कल रात भुना हुआ, सूखे हुए गिलास की भूख उजागर कर रही थी साथ पिया ड्रिंक, इतनी सारी प्लेटें छिलके पिस्तों के और बचे कुचे काजू बया कर रहे हैं सब खुलकर कल रात की पार्टी का मंजर। बर्तन मान रही क्या बात। प्लेटों में फीके खाने से निकलती निर्लज्जता की सड़ांध, और कोलेस्ट्रॉल पर चर्चा का मजाक उड़ाती कढ़ाई की चिकनाहट, इधर चमचों के चिपके सिरे पर मदहोश चीटियां, जरूरत से ज्यादा कटे साग सलाद के सिकड़े मुरझाए हुए पत्ते, करछियां चिमटे बर्तन भांडों का जमावड़ा दे रहा है अंदाज,
दो स्टार्टर, तीन सब्जियां, तंदूरी मुर्गा और शायद चीनी सूप। कॉफी मग भी धरे हैं धोने को, सूखे झाग की भूरी कोर लिए। केसर इलायची की खुशबू भी आ रही है डेगची की तलैटी से। तीसरा भाग, जल्दी से बर्तन मांज ले माया, फिर बाद में पोछा मार लेना। और पिछले हफ्ते बेमतलब का नागा क्यों किया था तुमने? इस माह तो तेरे पक्का पैसे काटूंगी, तब अकल आएगी। अच्छा, परसों का थोड़ा चावल बचा है, फ्रिज में लेते जाना। जी दीदी। कल रात की किटी पार्टी ने तो पूरा ही थका दिया है मुझे। काम निपटा ले जल्दी से, फिर थोड़ा सर दबा देना मेरा। मेरी तो आज हिम्मत ही नहीं बबलू को टिफिन देने की। उसके लिए दो चीज सैंडविच और जूस पैक कर देना। जी दीदी। अगले हफ्ते मेरी ननंद आ रही है कुछ दिन रहने को, घंटा भर जल्दी आ जाया करना रोज, बर्तन ज्यादा होंगे। अच्छा, पुराने दो सलवार निकाले हैं तेरी मछली के लिए। और सुन, घर जाते जाते कल का कचरा जरूर फेंक देना। जी दीदी। वाह, प्रोफेसर साहब ने शुरुआत करते ही खुद को अकवि कहा। एक हिम्मत चाहिए होती है खुद को अकवि कहने के लिए। आप खुद को कवि कह सकते हैं, आप कलम पकड़ना जान ले तो खुद को कवि कह सकते हैं, आप शब्द लिखना जान जाए तो खुद को लेखक कह सकते हैं। उम्र के साथ, उम्र का तकाजा ये है कि उम्र के साथ आप में अकड़ आती है, और अकड़ते हैं जो लकड़ी है वो टूट जाएगा। सर, इस सादगी के लिए और होली के समय अभी बसंत ऋतु में भी खाने पीने की बहुत चीजें बनने वाली है अपने, और बनती हैं, खा रहे हैं। और बसंत हो, शरद हो, कोई भी ऋतु हो, एकदम एवर ग्रीन मटीरियल है। सब्जों को पकड़े, भाव को पकड़े। ये वर्सेटिलिटी के ऊपर मैं एक कविता पहले बताऊंगा, उसके बाद उसकी वर्सेटिलिटी डिस्क्राइब करूंगा। एक गाना था वो सलमान खान का, सुल्तान थे वो, उसमें वो बेबी को बेस पसंद है। तो वो गाना आपको आता होगा, है ना? बेबी को बेस पसंद है, जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है, वो सुल्तान पे हम भी कोई कम थोड़ी हैं, हम भी अपने घर के सुल्तान हैं। बेबी को तो 30 साल पहले लाए थे, बीबी हो गई। इस गाने को मैं सुन रहा था कल परसों, पिछले हफ्ते, और किचन में बैठ के हमारी जो बेबी बीबी है वो कुछ कर रही थी, तो मैंने एक छोटा सा एक तुकबंदी की है। बेबी बेबी को बेस पसंद है, ये बेस लाइन है। मैं, मेरी बेस लाइन है, बीबी को बेसन पसंद है। बीबी को बेसन पसंद है, जब वो भूने बेसन मुझको उसका गंध पसंद है। बीबी को बेसन पसंद है, जब वो घोले बेसन मुझको वो अंदाज पसंद है। बीबी को बेसन पसंद है, जब वो छाने बेसन मुझको उसका ढंग पसंद है। बीबी को बेसन पसंद है, जब वो माढ़े बेसन, मटीरियल समझ गए होंगे, जब वो माढ़े बेसन मुझको उसकी अदा पसंद है। बीबी को बेसन पसंद है, जब वो तलती बेसन मुझको उसका स्वाद पसंद है। बीबी को बेसन पसंद है, क्या बात। जब वो मलती बेसन मुंह पर मुझको उसका रंग पसंद है। बीबी को बेसन पसंद है। तो अब ये माहौल में, इस त्योहारों के माहौल में बेसन से क्या क्या बनाती है मेरी बीवी, वो भी आप थोड़ा सुन लें। वर्सेटिलिटी की बात हो रही है, थोड़ा चित्रीकरण करिएगा, मन में बहुत मजा आएगा। बेसन के लड्डू, बेसन के आलू, बेसन के शक्कर पारे, बेसन के चीले, बेसन के पकौड़े, बेसन के पराठे, बेसन के गट्टे, बेसन के बकोसे, बेसन के पकोड़े, बेसन के फरे, मगज में बेसन, पापड़ में बेसन, पात्रा में बेसन, भजिया में बेसन, कचौड़ी में बेसन, ठेठरी में बेसन, सत्तू में भी बेसन, मिस
मिक्सी रोटी में बेसन, पूरण पोड़ी में बेसन, भाकर बड़ी में बेसन, मसाला फल्ली में बेसन, भरवा मिर्च में बेसन, वड़ा पाव में भी बेसन। अरे क्या हो गया है ना घर में, बीवी को बेसन पसंद है। बेसन की पपड़ी, बेसन की चकली, बेसन की खांडवी, बेसन की पंजीरी, बेसन की मठरी, बेसन का सोहन पपड़ी, बेसन की पूड़ी, बेसन की कढ़ी, बेसन की बूंदी, बेसन की बटिया, बेसन की भटिया, बेसन की भुजिया, बेसन की पिन्नी, बेसन की चिक्की, बेसन की ही पफरी। ऐसा लग रहा सब बेसनमय हो गया है। बेसन का मैसूर पाक, बेसन का मोहन थाल, बेसन का झुनका, बेसन का ढोकला, बेसन का फाफड़ा, बेसन का कुटला, बेसन का ही खाकरा, पतीसा, झोल, कड़वी, टिपोरा, मीढ़ा, रसाज, शीरा, लखता। छत्तीसगढ़ में जाइए, बुंदेलखंड में जाइए, आवरिया, हिंगोरा, बफौरी, थोपा, सभी है भैया बेसन की महिमा। बेसन का उपटन, और अंदर चला है ऊपर भी लगा रहे हैं। बेसन का उपटन, बेसन का फेस पैक, फैशन में बेसन, बेसन का धोखा, पता नहीं किसने खाया है कि नहीं, और बेसन की बेसनी, और बेसन का बेसन, बेसन का बेसन। तो ये त्योहारों के इसमें जो बेसन में हम हो जाते हैं, उसका थोड़ा सा वर्णन करने का, हल्दीराम लिखने वाला है। तो मैंने इसमें जो कहते हैं ना 1760 चीजें हैं, इसमें 60 चीजें थी। अगर इसमें कुछ और जोड़ सके आप लोग, ऐसा मटीरियल है इसमें हम सबको 60 चीजें खाने की और 60 चीजें पेट खराब करने की, ये पूरी इसमें मैंने बता दी तुम्हें। बेसन की तो महिमा है, उनके स्वाभिमान की, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो धरती में समाहित हो गई। तो उसी मतलब जो प्रसंग है, उसी प्रसंग पे मैंने ये लिखा है जो आपको मैं सुनाना चाहूंगा, सुनिएगा। सुन कर सिया स्वाभिमान की गाथा हृदय में रह गई, तब अश्रु जल से पूर्ण आंखें भाव सारे कह गई। थोड़ा माइक के पास, थोड़ा माइक। श्री राम सम्मुख थे विराजित विष्णु जैसे शेष पे, श्री राम सम्मुख थे विराजित विष्णु जैसे शेष पे, महिमा गढ़ी श्री राम की निज बालकों ने देश में। ये लवकुश की बात हो रही है, जब लवकुश आते हैं अपनी जो राम कथा लेकर राम दरबार में, तो उसी की बात चल रही है। महिमा गढ़ी श्री राम की निज बालकों ने देश में, थे पुत्र लवकुश राम के तब था नहीं संज्ञान ने। जब उन्होंने काव्य पाठ शुरू किया, किसी को पता नहीं था कि ये श्री राम भगवान के पुत्र हैं। मैं चाहूंगा कि अब तक आवाज जा रही है और इसके तरंग आपके हृदय के रंगों को छेद रहे हैं, तो कृपया करके पुत्र लव कुश राम के तब थाने संज्ञान में, सब खो गए थे गीत में, बस राम ही थे ध्यान में, रुख मोड़ के उस गान का भी रात भी ऐसी बनी, कर रामायण गान को सारी अयोध्या रोपणी। साथ तेरे जो गजल गुंथा चुका, उस गजल से कहीं मिसरे ही नहीं, उस गजल से नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यत्र नारियं की पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे सिंह साहब बराबर इस चीज को मुझे सिखाते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण के शब्दों में कहूं तो अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। पहले नारी को अबला कहते थे, अब नारी को सबला कहते हैं। अबला इसलिए कहते थे, पत्नी को खर्च के लिए पैसे कम मिलते थे, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी और कहती थी, वर्मा साहब अबला, सिंह साहब अबला, मिश्रा साहब अबला। लेकिन 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 आज नारी सबला है,
वर्मा साहब महीने में कितने कमाए? सब लाख। सिंह साहब महीने में कितने कमाए? सब लाख। महीने में कितने कमाए? सब लाख। अलीगर साहब महीने में कितने कमाए? सब लाख। आइए आइए चार पंक्तियों से मोहर मारने की कोशिश कर रहा हूँ और इस इंदारी सत्य ग्रंथ को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी पत्नी भी है इसमें, इसीलिए प्रणाम करना पड़ेगा। इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छूलेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छूलेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा सा पंख खोलोगे तो ये आकाश छूलेगा। मीरा की अमर भक्ति, ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। ये दिल का मामला है, जरा देख भाई। ये दिल का मामला है, जरा देख भाई के अंतिम पंक्ति में आपका समर्थन चाहूंगा। मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता, रखते थे कैसे खत कलेजा निकाल के। सरकार की ओर चलते हैं, सभा को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद चाहेंगे। प्रेम के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे, प्रेम के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे, गांधी बापू से चले थे आसाराम बापू तक आ गए। प्रेम के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे, गांधी बापू से चले थे आसाराम बापू तक आ गए। आइए प्रेम पार की कुछ बातें करते हैं। खुदा से रोज तेरी मोहब्बत का इकरार किया करता हूं, तेरी तस्वीर बनाकर उसे प्यार किया, तेरी तस्वीर बनाकर उसे प्यार किया करता हूं। और किसी दिन आओगी मेरी चौखट पर, और किसी दिन आओगी मेरी चौखट पर, इसी उम्मीद पर हर शाम इंतजार किया करता हूं। कदर चोट खाए हुई है, मौत ने हमको मारा है और जिंदगी के साथ। ये आगे का विषय है, इनकी तारीफ क्या पूछते हो, इनकी तारीफ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी। इनकी तारीफ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी, पारसा बन रहे हैं वो ऐसे जैसे गंगा नहाए। प्यार करना मुझसे हमेशा हमेशा, तरन्नुम में तालियां होती रहे। प्यार की जो कली मिल गई मेरे मन में, देगी खुशबू सभी को हमेशा हमेशा। दिल में रहना मेरे तुम हमेशा हमेशा, प्यार करना मुझसे हमेशा हमेशा। लगी है अगर आज दिल में जो मेरे, लग रहा है सभी मिट गए हैं मेरे। मैंने इसे समझौता कर लिया, इसने भी मेरे मन में घर कर लिया। अब हम दोनों अकेले रहते थे, मैं और पंछी। आज ये उड़ गया, आज बहुत मन किया कि मैं इसको रोक लूं, मैं इसको पकड़ लूं वापस बुला लो पास, लेकिन नहीं रोक सकता, नहीं बुला सकता, क्योंकि मैं पड़ा पड़ा देख रहा हूँ निष्प्र दीन शक्तिविहीन। आज मालूम चला कि ये पंछी कौन था, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही था। क्या बात, क्या बात। हम अकेले ही चले, हम न उनको मिल सके वो भी अकेले ही चले। हम सफर की खोज में तुम क्यों भटकते हो सनम,
साथ में जो हम चले तो फिर अकेले क्यों चले। और आखिरी शेर कि एक दिया हो एक हो बाती और रोशन हो जहां, एक अकेला दीप लेके फिर अकेले क्यों चले। बड़े बड़े शब्दों से नवाजा गया है, आश्चर्य हुआ मुझको। मतलब जब वहां बैठे थे यहाँ बुलाया जा रहा था, बहुत बड़े विद्वत कवि आए हुए हैं। मैंने कहा वो आया इसमें काउंट हो गए हैं विद्वत कवियों में। और यहाँ बैठ कर इस तरह से पहली बार ये मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, और थोड़ा फीलिंग है, बच्चे बैठे थे स्टूडेंट बैठे थे, थोड़ा फीलिंग ये भी आ रही है जैसे कि वो स्टूडेंट हम लोग कहते हैं चलो टर्म पेपर प्रेजेंट करो, और वही लग रहा है कि हम भी यहाँ का बड़े बड़े टर्म पेपर प्रेजेंट करें, तो एक तरह की फीलिंग आ रही है। मैं संसार मैं एक्चुअली यहाँ कई श्रृंगार की कविताएं भी पढ़ी गई हैं, और मैं श्रृंगार में नहीं लिखता हूँ। आप लोग तो क्या, आप लोग तो लॉकडाउन हुआ, आपने अपना बिस्तर आप और टंग उठाया घर चले गए, घर में बैठ के पराठे खाए, और यू नो जब भी देखा आप लैपटॉप में बैठे हुए हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ये वहाँ चल रहा है। और यहाँ कैंपस का क्या माहौल हो गया था, सारे स्टूडेंट जा चुके हैं, सारे हॉल खाली हो चुके हैं, कैंपस में क्या हो रहा था आपको पता ही नहीं, वो हमने देखा। तो वो कैंपस में हो रहा था उसके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। कैंपस में लॉकडाउन, ये इसका टाइटल है। लॉकडाउन के बाद कैंपस कुछ उदास हो गया था। लॉकडाउन के बाद कैंपस कुछ उदास हो गया था, विदा हुई हो बेटी जैसे घर सुनसान हो गया था। लॉकडाउन के बाद कैंपस कुछ उदास हो गया था, विदा हुई हो बेटी जैसे घर सुनसान हो गया था। अब कैंपस के जो हॉल हैं, हॉस्टल्स हैं, उनमें क्या हो रहा था, कैंपस के हॉस्टलों में कोई रहता नहीं था। घास उगाई थी खिड़की की मुंडेरों पर, खिड़कियां कोई खोलता नहीं था। बड़ा अजीब माहौल था, कैंपस के हॉस्टल में कोई रहता नहीं था, घास उगाई थी खिड़कियों की मुंडेरों पर, खिड़कियां कोई खोलता न था। रात भर जगने वाला हॉस्टल, हमें पता है कि हमारा हॉस्टल रात भर जगते हैं, रात भर जगने वाला हॉस्टल दिन में भी ऊंघता था। रात भर जगने वाला हॉस्टल दिन में भी ऊंघता था। पथरा गई थी आंखें इसकी इंतजार में, पथरा गई थी आंखें इसकी, जिंदा लाश हो गया था। क्या बहुत अच्छा। अब कुछ चीज है हॉस्टल के हम जो आप कहते हैं ना, तालियां बजाने के लिए चीज में करते रहिएगा, ठीक है, चित्रण चल रहा है, थोड़ा याद दिलाते रहिएगा। हॉस्टल के मुंह लगाए कुत्ते हर हॉल में होते हैं, हॉस्टल के मुंह लगाए कुत्ते हॉस्टल छोड़ गए थे, न दूध काटता न कुछ काटता था कोई, भूखे बेचारे अनाथ हो गए थे। हमारे हॉल में साइकिलें खड़ी होती, लाइनों से साइकिलें खड़ी होती, वो साइकिलों में क्या गुजर रही थी, थोड़ा उसका चित्र मैंने खींचा है। कतार में खड़ी साइकिलें आश लगाई थी बैठी, कतार में खड़ी साइकिलें आश लगाई थी बैठी, फिर मिलेगा तेल पानी फिर वो इटला के चलेंगी, बेचारी इंतजार कर रही है। हम जो यहाँ हॉल जाते थे लाइन से साइकिलें खड़ी हैं, दूर आ रही हैं, कतार में खड़ी साइकिलें आश लगाई थी बैठी, फिर मिलेगा तेल पानी फिर वो इटला के चलेंगी, कब तक इस झूठी आश में खुद को जिलाए रखती, कब तक इस झूठी आश में खुद को जिलाए रखती, एक गिरी क्या कश खाकर धराधर सब जमीन दोज। बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होती कैंटीन, कैंटीन में क्या हो रहा था, खचा खच जाने वाली कैंटीन में ताला जड़ गया, खचा खच जाने वाली कैंटीन में ताला जड़ गया था। हंसता फुदकता छोटू बेरोजगार हो गया था। कुर्सियां रहा तकती थी कोई तशरीफ लाएगा, बटर चिकन पराठों से पूरा मेज सज जाएगा, लेकिन मेज पर धूलों की चादर बिछ गई थी, मकड़ियों का कब्जा था कैंटीन में, कैंटीन कब गुमसुम हो गई थी। तालियां बजाते रहिए।
अब आके क्योंकि हॉल में रहने वाले छात्र हम भी हैं, हमें पता है आप लोग क्या करते हैं, उसी के कुछ चित्र हैं, उसके ये नहीं, ये भी पता चलेगा इशारों इशारों में। अबे गुप्ता चिल्लाकर आह्वान नहीं होता था। हॉल में होता चलता है, अबे गुप्ता चिल्लाकर आह्वान नहीं होता था, एक विंग से दूसरी विंग तक सुशब्दों का धारा प्रवाह। आह्वान नहीं होता था, एक विंग से दूसरी विंग तक सुशब्दों का धारा प्रवाह नहीं होता था। हॉस्टल के काम छात्रों के मंत्रोच्चार को तरस गए। थे हर कमरा हर हाल बस साइन साइन कर रहे थे। अरे ये भी आप ही से रिलेटेड है, शाम होते ही जिन रास्तों पर फूलों के जोड़े उगाते हैं, शाम होते ही जिन रास्तों पर फूलों के जोड़े उगाते हैं, बुनते हैं घरों के ख्वाबों के मरने मिटने की कस्में खाते हैं। सब पता लगता है। तो शाम होते ही जिन रास्तों पर फूलों के जोड़े उगाते हैं, बुनते हैं घरों के ख्वाबों के मरने मिटने की कस्में खाते हैं। धड़कन उन रास्तों की थम सी गई थी, जिसको पसरा था जमीन पर रूह जानी कहां हो गई थी। आपकी बात हुई तो खांडेकर साहब वो तो बहुत यंग है अभी, मैं और मेरे साथ के लोग अपने लोगों की बात हमें करनी पड़ेगी। गुरुजी लोगों का क्या हो रहा था, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाथों को पीछे बांध झुकती कमर के साथ गुरुजी ऑफिस में चले आते थे। लॉकडाउन है, कुछ क्लास नहीं, कुछ नहीं, फिर भी हाथों को पीछे बांध झुकती कमर के साथ गुरुजी ऑफिस में चले आते थे। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर, हाथों को पीछे बांध झुकती कमर के साथ गुरुजी ऑफिस में चले आते थे। बिन पानी की नदी से हो गए थे, बिन पानी की नदी से हो गए थे, औचित्य खुद का न समझ पाते थे। कान बजते थे उनके बार बार, ऑफिस में बैठे हुए हैं, कान बजते थे उनके बार बार मियाई कमिश्नर की आवाज से न पाकर दरवाजे पर किसी को, फिर शून्य से हो जाते थे। और किसी को थोड़ा सा दूसरा पढ़ू, लेकिन हर सुबह सूरज वक्त पर चला आता था, चांद हर शाम पेड़ों की झुरमुटों से झांकता था, चिड़ियों की चहचहाहट भी पुरजोर थी, मोर नाचता था मुदेरों पर, हवा खुशनुमा हर ओर थी। लेकिन हर सुबह सूरज वक्त पर चला आता था, चांद हर शाम पेड़ों की झुरमुटों से झांकता था, चिड़ियों की चहचहाहट भी पुरजोर थी, मोर नाचता था मुदेरों पर, हवा खुशनुमा हर ओर थी। सीखने सिखाने की ललक हिलोरे मार रही थी। बंद था लॉकडाउन में तो क्या, कैंपस की आत्मा तो जाग रही थी, आत्मा तो जाग रही थी। तो ये कविता है क्योंकि ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, विषय है, और इसमें आपसे दाद चाहूंगा इस कविता के लिए। और कविता यह है कि जैसे चाणक्य ने कहा था कि भारत की समृद्धता को अगर बनाए रखना है तो इसकी भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको अक्षुण रखना बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले कई दशकों में कुछ सेंचुरीज में हम लोगों की सांस्कृतिक विरासत को शक्ति विकसित करने की कुछ कोशिशें हुई है। इधर
भारत जाग रहा है, अपने आप को पहचान रहा है। इसी जागते भारत पर एक कविता है, जाग रहा है हिंदुस्तान। आप मेरे साथ दीजिए, आप मेरा साथ देंगे, मुझे बहुत मजा आएगा, ताकत मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा। हमें कुछ सुलाने की कोशिश की गई थी, उसी पे कुछ पंक्तियां हैं जो पिछले कई दशकों में हुआ। और कैसे, खूब पिलाई घूंटी बूटी, बड़े तरीके होते हैं घूंटी बूटी पिलाने के, खूब पिलाई घूंटी बूटी सुला दिया था हिंदुस्तान। क्या बात हो, आपकी सांस्कृतिक अलग करने की कोशिश, खूब पिलाई घूंटी बूटी सुला दिया था हिंदुस्तान, जड़ को अपनी जान रहा, जाग रहा है हिंदुस्तान। अब हमें क्या सिखाया था, अपना था सब गंदा था, ये हमें सिखाया था, अपना था सब गंदा था, न करना था उस पर अभिमान, अपना था सब गंदा था, न करना था उस पर अभिमान, जन जन समझ रहा खेला, जाग रहा है हिंदुस्तान। अब क्या होता था, सांप मदारी खूब नचाए, सांप मदारी खूब नचाए, बता इन्हें अपनी पहचान। हमारे देश की एक पहचान हो गई थी सांप मदारी वाली, सांप मदारी खूब नचाए, बता इन्हें अपनी पहचान, हैसियत अपनी जान रहा, जाग रहा है हिंदुस्तान। एक और लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, इतिहास पढ़ाया जो नकली था, इतिहास पढ़ाया जो नकली था, हंसी उड़ाया था विज्ञान, इतिहास पढ़ाया जो नकली था, हंसी उड़ाया था विज्ञान, खुद की इबारत लिख रहा, जाग रहा है हिंदुस्तान। मैं प्रेम लिखती हूँ और बहुत इत्मीनान से प्रेम ही पड़ा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि और IIT कानपुर के 3.5 साल के इतिहास में जब भी पढ़ा है या तो इश्क पढ़ा है या तो इंकलाब पढ़ा है, और अनुभव से ये भी कह सकती हूँ कि इश्क और इंकलाब जब भी लिखे जाएं और जब भी पढ़े जाएं उन दोनों का रंग एक होता है। यही कहानी तो हम बताते हैं कि जब स्त्रियां स्त्रियों पे लिखती हैं तो क्या होता है, तो सुनिएगा कि हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, लड़कियां दो घड़ी की चाहतों में नहीं खुलती। थोड़े से गम में हम ना जाने क्या क्या करते हैं, थोड़े से गम में हम ना जाने क्या क्या करते हैं, और औरतें तैयार मैखाने भी नहीं जाती। इसके बाद बैक टू बैक कुछ शेर है, फिर अब एक खलिश सी रह गई है दिल में तेरे बाद, एक खलिश सी रह गई है दिल में तेरे बाद, तुमको तो ठीक से बिछड़ना भी नहीं आता। कवि सम्मेलन आजकल काफी नए लोगों ने सुना होगा, पुराने लोगों को सुनना चाहिए। हाफी के बिना मंच पूरा नहीं हो रहा है आजकल, तो हाफी के कुछ शेर कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। लड़कियां इश्क में इतनी पागल होती हैं, फोन बजा फिर चूल्हा जलता छोड़ती हैं। जितना मैं रूबरू हूँ ज्योति की तबीयत से इश्क को लेकर, तो मुझे एक शेर याद आता है कि तुझे इश्क करके हुआ यकीन कि बंदगी के लिए खुदा का मिलना जरूरी है। ये जो मैं थोड़ा बहुत खराब मम्मी पापा की शिकायत है, मगर ऐसा कुछ नहीं कि क्या है जो हो गया हूँ मैं थोड़ा बहुत खराब, अब थोड़ा बहुत खराब तो यार होना भी चाहिए। कविता की भूमिका पर आती हूँ, विष्णु पर है ये कविता, थोड़ी अलग है। तो पहली चीज करता मैं, उनका पूरा नाम अभिषेक यादव है, तो आहूत भी किसे करता मैं, पूर्वजों से प्रार्थना व्यर्थ थी कि मेरे वंश का आदिम पिता था एक श्यामल देवता, और उसी की थी सबसे निराशाजनक प्रेम कहानी। तो कविता टाइटल नहीं समझ में आया तो अच्छी है, ठीक है।
कनु कृष्ण के लिए है यहाँ पे, और रणवीर भारती की बहुत बहुत फेमस एक काव्य संग्रह आया था कनुप्रिया, तो वहां से थोड़ा बहुत प्रेरित है कि तुम पर मेरा क्या अधिकार है कनु, मेरी जगह तुम्हारे चित्त में कहीं नहीं है, तुम्हारे मन में इतना स्थान बाकी भी नहीं कि मेरा एक मुट्ठी प्यार समेट सके, और तुम्हें देने के लिए भी क्या है मेरे पास, किसी का दिया कोई प्रेम पत्र नहीं जिसे पढ़कर तुम ये जला सको, ना मेरी बार जोड़ता है कोई पुराना आशिक कि जिसका नाम लेकर चिढ़ाऊं तुम्हें, तुम मेरा प्यार नहीं हो, तुम मेरा प्यार नहीं हो और नहीं हो मित्र भी, तो फिर तुम पर मेरा क्या अधिकार है कनु। बारिश की आवाज से जागी हुई आंखें, ये रात की बारिश की बात हो रही है, कि बारिश की आवाज से जागी हुई आंखें कमरे में लगी तुम्हारी तस्वीर देख मुस्कुरा क्यों उठती हैं, जबकि मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूँ, और दिन ब दिन के जीवन यापन में मैं ये क्यों सोचती हूँ कि अगर तुम मेरी जगह होते तो फिर क्या करते, तुम मेरे गुरु तो नहीं हो। क्या अधिकार है कनु, हम मिले भी नहीं कभी चाय पर, और मैं नहीं जानती कि लोकतंत्र के विषय में तुम्हारी क्या राय है, हम मिले भी नहीं कभी चाय पर, और मैं नहीं जानती कि लोकतंत्र के विषय में तुम्हारी क्या राय है कि 16,000 रानियों के होते हुए भी तुमने मोहब्बत के लिए राधा को क्यों चुना। क्या बहुत बहुत सवाल है तुम्हारे लिए, और बहुत सारा शब्द तुम्हारे जवाबों के लिए, मगर मुझे तुम्हारा इंतजार क्यों करना चाहिए, तुम पर मेरा क्या अधिकार है कनु। साकी लबों के आशना रहती है ये हया, साकी लबों के आशना रहती है ये हया, बिखरे सभी इमारतां कहती है ये हया, रहती है ये हया, बिखरे सभी इमारतां कहती है ये हया, झूठे किलों के काफिले बुनते रहोगे तुम, झूठे किलों के काफिले बुनते रहोगे तुम, उजड़े घरों से झांकती रोती है ये हया, रोती है ये हया, साकी लबों के आशना रहती है ये हया, बिखरे सभी इमारतां कहती है ये लगा, आबो आबो हवा के आसरे रहना नहीं मुझे, आबो हवा के आसरे रहना नहीं मुझे, दरक को इस दीवार में कहती है ये हया, दरक को इस दीवार में कहती है ये हया, ताल्लुक हो इस हिसाब से बंदिश न हो कोई, ताल्लुक हो इस हिसाब से बंदिश न हो कोई, रश्को सितम रकीब से रोती है ये हया, रश्को सितम रकीब से रोती है ये हया, कुछ लोग शराब पीते हैं कुछ नहीं पीते हैं, एक तीसरे किस्म के लोग भी हैं जो शराब जीते हैं, तो पानी भरे गिलास में पिए समझ के जाओ, पानी भरे गिलास में पिए समझ के जाओ, ब्लैक पानी भरे गिलास में पिए समझ के जाओ, दोगल भरे ये सानी पे हंसती है ये हया, फिर भी ईमान की आस में छिलती है ये हया, ज्योति जी ध्यान चाहूंगा, औरत बना दिया तुम्हें और लो सजा दिया, औरत बना दिया तुम्हें और लो सजा दिया, इससे बड़ी भी क्या सजा देती है ये हया, सबा की धार में कटते रहेंगे हम, फिर भी इमा की आस में छिलती है ये हयात, औरत बना दिया तुम्हें और लो सजा दिया, औरत बना दिया तुम्हें और लो सजा दिया, इससे बड़ी भी क्या सजा है।
देती है ये हया। कुर्सी बनाए आप ही आरी भी ले आए, समतल जमी की प्यास में जलती है ये हया। औरत समा दिया तुम्हें और लो सजा। मैं देख रहा हूँ कौन ताली नहीं बजा रहा, मैं उंगली उठा के बोलने लग गई, इसे तो सब ताली बजा दो। बसंत ले आया जाता है और ये बात आज हम लोग साकार कर रहे हैं कि बसंत तो आके आ चुका है, नवरात्रि चल रहा है, लेकिन आज के दिन जो है हम सब बसंत को वापस खींच लाए हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की वो जो बात जो निबंध का उनका शीर्षक है कि बसंत आता नहीं है, बसंत ले आया जाता है और ले आए हैं। अपना स्वरचित जो है जो भी थोड़ा बहुत हम लिख पाए, कभी अभी हम भी नहीं बिल्कुल अकभी कि कोरोना के बाद से जो है जो बात शुरू हुई है, तो बस इतना ही कहूंगा कि वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो मुझ में प्रेम सृजन कर रहा है। क्या वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो मुझ में प्रेम सृजन कर रहा है। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, अब तुमसे मिलने को दिल कर रहा है। अरे आपसे मिलने को दिल कर रहा है। दो चार लाइन कि चलो बताऊं क्या क्या कैसा दिखता है, चलो बताऊं क्या क्या कैसा दिखता है, चांद तुम्हारी पाली के मोती के जैसा दिखता है। चलो बताओ क्या क्या कैसा दिखता है, चांद तुम्हारी पाली के मोती जैसा दिखता है। जब जब हम तुम आंखों आंखों मुस्काते हैं, कहते हैं कि हमें कोई रिश्ता खासा दिखता है। रिश्ता खासा दिखता है। और एक थोड़ी तुकबंदी हम भी कर लेते हैं, तो वही आपको बता रहे हैं। एक टक बशीर बद्र का शेर था जिसका एक मिसरा हम उठा लाए हैं, आप अलग तरह से हमने प्रयोग किया है, तो इसको देखेंगे कि तुम्हें एक टक देखने में डर लगता है, पैर फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। तुम्हें एक टक देखने में डर लगता है, पैर फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। खैर ऐसा नहीं कि लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, खैर ऐसा नहीं कि लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे साथ दिन बहुत छोटा लगता है। रास्ते कहते हैं चलो उस ओर चलो, रास्ते कहते हैं चलो उस ओर चलो, हसीन राह पे चलने में मुझे डर लगता है। यूं भी नहीं कि चाहिए मुझको बहुत ज्यादा किसी से, यूं भी नहीं कि चाहिए मुझे बहुत ज्यादा किसी से, जहां जितना मिला उतना भी मुझे बहुत लगता है। और इस बात पे आपकी विशेष तवज्जो देना घर लगता है। कभी कभी अपना कमरा भी अपना घर लगता है, यूं तो होती रहती हैं मुलाकातें अक्सर, तुम ये बताओ तुम्हें हमारा आगे का क्या लगता है। मिलना और फिर मिलते रहना बहुत ज्यादा खुश होने में देखो कितना कम लगता है। क्या बात है, काहे नहीं तुम ले लेते हो ट्रक एक नया नवेला। ट्रक का जर्जर हाल देखकर मैं ट्रक चालक से बोला, काहे नहीं तुम ले लेते हो ट्रक एक नया नवेला। उसने हमसे कहा कि भैया तुम बाहर देखो। उसने हमसे कहा कि भैया तुम बाहर देखत हो,
लागत है चिकनी चौड़ी पर तुम भी दिल फीका। जिसके दीद की ख्वाहिश तुम्हारी आंखों में है, जिसके चाहत की तलब तुम्हारी सांसों में है, मान लो जो बेनाम एहसास तुम्हारे लबों तक आ जाता है, जुबां से फिसल कर जो नाम निकल जाता है, हर उस सूरत हाल में तुम्हें यकसर जिसपे बेइंतहा प्यार आता है, मान लो जिन निगाहों से टकरा कर तुम्हारी मुआवजे रुक जाती है, कि मंजर सोखी की जब हाय छुपाए न छुपती है, कि बड़ी नाजुक साफ शकुन हो जाता है देखना जिसका, कि हकीकत जिसकी अरमा शायद तुम्हारे दिल में भी है। मैं बहुत खुश हूँ। सामने से जुड़े हैं एक श्रोतागण। तुम सुना नहीं पाती कि अजनबी भी कहना उसे गवारा नहीं होता, और बिना हासिल जिस मुकाम के अब गुजारा भी नहीं होता। मान लो वो खत सारे जो तुम्हारे दराज में पड़े, हैं अफसाने जिनमें तुमने फुर्सत से लिखी। वसंत का महोत्सव है, मिलने की बात हुई, प्रेम की बात हुई, बिछड़ने की भी बात होनी चाहिए, उसके बिना जो है प्रेम का चक्र जो है वो कम्प्लीट नहीं होता है। तो एक बिछड़ने की बात मैं यहाँ आप सबके सामने रखना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है अजनबी। वे बहुत देर से एक दूसरे को देख रहे थे, कलखियों से किसी को एक बार में पहचानना कितना मुश्किल होता है, इस बात पर शायद दोनों अब राजी होंगे। फिर से पढ़ता हूं। वे बहुत देर से एक दूसरे को देख रहे थे, कलखियों से किसी को एक बार में पहचानना कितना मुश्किल होता है, इस बात पर अब शायद दोनों राजी होंगे। एक दूसरे से नजर भी बचा रहे थे। किसी से एक रिश्ता हो जाने के बाद अगर वो रिश्ता किसी भी वजह से थोड़ा कट्टा हो जाता है या दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, इसका ये मतलब अक्सर नहीं रहता कि प्यार खत्म हो गया। और लोग एक दूसरे को देखते हैं, कहीं जगह कहीं कोनों पर मिलते हैं, और वो कैसी फीलिंग होती है वो शायद यहाँ पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दूसरे से नजर बचा भी रहे थे और एक दूसरे को देखने की हसरत भी थी। काफी अरसा हुआ होगा मन में सोच रहे थे। एक जमाने में गहरा रिश्ता था इनके बीच, फिर जाने क्यों एक मोड़ पर दोनों ने अपनी अपनी राह ले ली, एक अदद अलविदा भी नहीं हुआ। आज के जैसे उस दिन भी नजर बचाकर नजरों से ओझल हो गए थे, उस दिन भी मन में आज ही की तरह एक जोर था यकीनन। तो जब रिश्ता टूटता है तब आप किस तरह से अलविदा कहते हैं? हमें से बहुत लोग अलविदा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, तो वहां पर शायद मैं जा रहा हूं कि आज के जैसे ही उस दिन भी नजर बचाकर नजरों से ओझल हो गए थे, उस दिन भी मन में आज की ही तरह एक चोर था यकीनन। आज यहां मुलाकात होगी ये पता होता, शायद आज भी डाल जाते। अचानक बेख्याली में आंखों की झड़प हो ही गई, और जब आप देख लेते हैं एक दूसरे को उस समय क्या भाव होते हैं, कतराते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़े, बड़े ही पेशो पेश में दुआ सलाम हुई, और वो ऑकवर्ड मोमेंट जब आप हेलो बोलते हैं और आपको पता है कि ये हेलो किस तरह का है, किस गहराई का है, हाथ मिलाए गए हाथों के कुर्दरेपन ने जरूर गुजरे हुए लम्हों का हिसाब पेश किया होगा। तभी अचानक हाथ खींच लिए गए। बहुत बार हम अपने सबसे इस तरह भागते हैं कि वो जब सामने आता है तो हम बहुत जल्दी से उससे दूर हो जाना चाहते हैं। उन लम्हों की खिसियाहट खुद से थी या सामने वाले से ठीक ठाक कहा नहीं जा सकता, पर एक फ्लैशबैक सा चल रहा था कहीं जहन में, ढेरों हिसाब किताब धड़ाधड़ हो गए, बहुत सारी यादें एक बार को वापस आ जाती हैं। आप सभी लोग कैंपस से जाएंगे, फिर 2-4, 10-20 साल के बाद एक दूसरे से मिलेंगे तो शायद बहुत सारी चीजें वापस आए, पर एक फ्लैशबैक सा चल रहा था कहीं जहन में, ढेरों हिसाब किताब धड़ाधड़ हो गए। आप कैसे हैं जितना खोखला सवाल शायद इससे पहले नहीं पूछा गया किसी। क्या बात, क्या बात।
ये सवाल हम अक्सर पूछ लेते हैं और हमें पता है कि जिसको हम जानते हैं उसके बारे में हमें पता ही है और जिसको हम नहीं जानते वो हमें बताएगा भी नहीं और हमें फर्क भी नहीं पड़ता।